यूपी के आजमगढ़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति 13 महीने तक जेल में बंद रहा, वह पत्नी अब जिंदा हालत में मिली है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद पति ने खुद पत्नी को खोज निकाला। जीएनपुर कोतवाली अंतर्गत मसोना सुखपुर गांव के रहने वाले दीपू की शादी साल 2019 में मऊ जनपद के घोसी थाना अंतर्गत छोटी डाणी गांव की रहने वाली रुचि के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी होने के बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और पत्नी अपने मामा के घर चली गई। बाद में समझौता होकर रुचि ससुराल में रहने को राजी हो गई। दोबारा वापस ससुराल आने के बाद रुचि एक सप्ताह तक तो ससुराल में रही, लेकिन उसके बाद वह संदिग्ध हालत में ससुराल से लापता हो गई। दीपू और उसके घरवाले उसकी काफी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बता दें कि पिछले साल जेल से आने के बाद दीपू ने पत्नी को ढूंढ निकाला और अब उसने पत्नी के घरवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इधर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 2019 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना जैनपुर में, जिसमें धारा 498A, 364 IPC और 3/4 DP एक्ट एक महिला के पति के विरुद्ध लिखवाया गया था, जिसमें इस व्यक्ति को जेल भेजा गया 18/1/2020 को। ये व्यक्ति 9/11/2021 को इसकी पत्नी रुचि गौड, जिसके गायब होने की बात कही गई थी, ये बरामद हुई। इनका बयान कराया गया और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को दोषमुक्त किया गया। इसी व्यक्ति की तरफ से अपने ससुराल के लोगों के विरुद्ध एक एप्लीकेशन थाना जैनपुर पे दी गई, जिसमें लिखा गया कि इनको जानकारी होते हुए भी कि इनकी जो बेटी है वो जीवित है, इसके बावजूद इनके द्वारा जानबूझ के फंसाने के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में थाना जैनपुर पर धारा 134/23, धारा 182, 120 भी पंजीकृत हुआ है। इसमें धारा 400B की बढ़ोतरी की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई थाना जैनपुर से की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल रहे उनकी जो जो भूमिका थी उसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। आगे की कार्रवाई थाना जैनपुर के द्वारा की जाए। वहीं पीड़ित दीपू ने बताया कि किसी तरह से 13 महीने सलाखों के पीछे हूं। उसके बाद जमानत कराने के बाद अपनी पत्नी का खोजबीन शुरू किया तो पत्नी रुचि भिंड जिले में मिली। थाना जैनपुर ने पत्नी रुचि और उसकी माता मामा सहित उसकी बहन के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। वहीं पीड़ित की भाभी विनीता ने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 दिन तक थाने में बैठाया गया, बार बार यह कहने पर कि हम लोग निर्दोष हैं, हमारी बात नहीं मानी जा रही थी। देवर के जेल में रहते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, जिसको लेकर जमीन तक बेचना पड़ा। अब जेल से आकर गन्ने का ठेला चलाकर हम जीवन यापन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।